भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कभी मुलाकात हुई? आपके पुराने नजदीकी हैं, एक साथ सरकार में रहे हैं, कभी घूमते हुए कभी मुलाकात? कांग्रेस में थे तब भी उनसे मुलाकात की जरूरत नहीं थी, ना उनको हमारी जरूरत थी, ना उनको प्रदेश की जरूरत है, ना प्रदेश को उनकी जरूरत है। तो मामला खत्म हो गया, अब तो नया मामला जोड़ना है और मुझे लगता है कि उसी की तलाश में पूरा हरियाणा, पूरा देश है। किसी प्रदेश के चुनाव आते हैं, आज मन की बात उन्होंने बोली, आज उनको मणिपुर भी याद आया, गोवा भी याद आया, उत्तराखंड भी याद आया, उत्तर प्रदेश भी आया, पंजाब भी आया। कल वो रिपब्लिक डे परेड में थे, उनको पगड़ी भी याद आई। लेकिन जब एक साल यहाँ पर पगड़ीधारी जो हमारे जाबाज साथी हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जब वो बैठे रहे तब वो याद नहीं आए। तो ये स्टंट अब पूरा देश समझने लग गया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ और लोगों के लिए करो, ये बातें बातें करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन और जो पूरे देश के अंदर दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो पूरी मजबूती के साथ डट करके मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है वहाँ से उनको खदेड़ने का काम करेंगे। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी की सभी सीटों पर आप आने वाले समय में टीएमसी पे चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अगली सरकार ही प्रदेश के अंदर टीएमसी की होगी। हम सब लोग हैं, गांव-गांव में, गली-गली में हमारे साथी बैठे हैं, हर बूथ पर मजबूती से उन लोगों ने पहले भी संघर्ष किया है। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे, करनाल पहुंचे हैं पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, अब टीएमसी में हालांकि नेता है, अपना भारत मोर्चा के नाम से पार्टी भी बनाई थी, सामने कार्यालय था, बोर्ड आप देख सकते हैं, अपना भारत मोर्चा। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि टीएमसी में सीनियर इनका जो है कद है, और अपने आप में गोवा में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसका जो है इनको इंचार्ज भी बनाया गया है। किस तरह से सर क्या कहना चाहेंगे, टीएमसी पार्टी में आप ज्वाइन कर चुके हैं, किस तरह से लगता है कि अब जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, गोवा की बात करें, किस तरह से माहौल देख रहे हैं देश में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरे देश में माहौल है एक परिवर्तन का, नए विकल्प की तलाश में ये देश है, और अलग अलग प्रदेशों से भी इसी तरह के रुझान हैं, जहाँ सरकारें जिन पार्टियों की हैं लोग उनको बदलेंगे, और ख़ासतौर से बीजेपी जो पूरी ताकत के साथ, पैसे का, धन बल का, हर तरीके से जो उनकी माइट है, सरकारी एजेंसीज हैं, मीडिया है, सबका दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड और मणिपुर की बात हो। और आज हमने देखा कि मन की बात में भी है, ये प्रधानमंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आज वो सवाल ये है कि जब किसी प्रदेश के चुनाव आते हैं, आज मन की बात उन्होंने बोली, आज उनको मणिपुर भी याद आया, गोवा भी याद आया, उत्तराखंड भी याद आया, उत्तर प्रदेश भी आया, पंजाब भी आया। कल वो रिपब्लिक डे परेड में थे, उनको पगड़ी भी याद आई। लेकिन जब एक साल यहाँ पर पगड़ीधारी जो हमारे जाबाज साथी हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जब वो बैठे रहे तब वो याद नहीं आए। तो ये स्टंट अब पूरा देश समझने लग गया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ और लोगों के लिए करो, ये बातें बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आज, स्वास्थ्य और शिक्षा का संकट है, हमारे जो किसान मजदूर हैं उनको आय नहीं मिल रही है। तो ये ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनके ऊपर लोग आज एक्शन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी उनको दी थी आज से 7 साल पहले, वो उसको अच्छे तरीके से निभाने। सर, पश्चिम बंगाल का चुनाव एक उदाहरण है, जिस तरह से काफी प्रचार किया गया पूरी सरकार की तरफ से, कहा गया था कि ममता दीदी जाएगी और मोदी सरकार आएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे ही अभी उत्तर प्रदेश में भी नारा चल रहा है, खदेड़ा होई बे, ये खदेड़ देंगे इनको, बीजेपी वालों को। ऐसे ही गोवा में चल रहा है। तो सब जगह मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मामला कांग्रेस का, तो अंदरूनी आप जानते हैं, वो ना लड़ने में सक्षम है ना लड़ना चाहते हैं। लेकिन और जो पूरे देश के अंदर दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो पूरी मजबूती के साथ डट करके मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है वहाँ से उनको खदेड़ने का काम करेंगे, और नया विकल्प आने वाले समय में वो इस देश में तैयार होगा, और हम सब लोग ममता जी के नेतृत्व में लगे। अशोक तंवर जी, आप हरियाणा से ही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी का उस लेवल पर जनाधार नहीं है, तो उसको किस तरह से मजबूती दे पाएंगे, क्या टीएमसी को यहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे? क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी की सभी सीटों पर आप आने वाले समय में टीएमसी पे चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अगली सरकार ही प्रदेश के अंदर टीएमसी की होगी। हम सब लोग हैं, गांव-गांव में, गली-गली में हमारे साथी बैठे हैं, हर बूथ पर मजबूती से उन लोगों ने पहले भी संघर्ष किया है। आज उन्हीं की बदौलत मैं समझता हूँ कि एक विकल्प की लोग तलाश में भी हैं। अभी हमारी 14 तारीख से यात्रा शुरू होनी थी, और फरीदाबाद से हमने ऐलान किया था उसका, लेकिन कोरोना की तीसरी, चौथी जो भी लहर थी, ओमिक्रॉन
जिसमें नया म्यूटेटेड वायरस था, तो उसकी वजह से सरकार ने जो गाइडलाइन लागू करी, एक जिम्मेदार नागरिक और राजनीतिक प्रतिनिधि होने के कारण हमारे सारे साथियों ने फैसला किया कि इसको हम थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं। तो जैसे ही ये दोबारा आज कल में फिर सरकार ने अपना खोलना है मामला कि किस तरीके से वो नई गाइडलाइन चुनावी राज्यों में भी और दूसरे उसमें भी अगर सरकार खोल देती है तो जल्दी हम दोबारा पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे और मजबूत संगठन वहां पर तैयार करेंगे। तो बिल्कुल मजबूत संगठन तैयार करेंगे। हालांकि सर कुमारी शैलजा इस समय प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कांग्रेस का संगठन ना ही आपके समय में बन पाया था, आपसे भी कई बार सवाल पूछे थे, लेकिन अब कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा है, लेकिन वो भी संगठन नहीं बना पा रही है, ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों नहीं बना पा रही? देखिए, जब देश में कांग्रेस की जरूरत नहीं तो उनके संगठन की क्या जरूरत है, यही मान रहे हैं कांग्रेसी, इसलिए बनाएंगे अभी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कभी मुलाकात हुई? आपके पुराने नजदीकी हैं, एक साथ सरकार में रहे हैं, कभी घूमते हुए कभी मुलाकात? कांग्रेस में थे तभी उनसे मुलाकात की जरूरत नहीं थी, ना उनको हमारी जरूरत थी, ना उनको प्रदेश की जरूरत है, ना प्रदेश को उनकी जरूरत है। तो मामला खत्म हो गया, अब तो नया मामला जोड़ना है और मुझे लगता है कि उसी की तलाश में पूरा हरियाणा पूरा देश है और मिलकर के हम युवा शक्ति के साथ हमारे किसान मजदूर गरीब कर्मचारी इन छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी थे जिनका व्यापार खत्म कर दिया, उद्योग धंधे खत्म कर दिए, उनकी शक्ति को संजो करके आगे बढ़े। तो वर्जी, अंतिम सवाल कि किसान आंदोलन का क्या असर देखने को मिलेगा पंजाब के चुनावों में भी? क्या बीजेपी सरकार पर उस पर कोई असर रहेगा? क्या बीजेपी सत्ता में आ सकती है पंजाब में? नहीं नहीं, पंजाब में तो मुझे नहीं लगता कि खाता भी लोग वहाँ के खुलने देंगे। और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी, अब उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होने वाला है, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्म किए, उनके नेताओं ने जो किए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काले कानून थोपे और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी और तमाम घटनाक्रम हुए, तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और वो मुझे लगता है कि वोटों के अंदर देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे इस समय अशोक तंवर, टीएमसी के नेता, करनाल पहुंचे थे और अलग अलग राजनीतिक पहलुओं पर, अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब में खाता भी खुल पाएगा, यानी कि बीजेपी सरकार का खाता भी खुल पाएगा, और जमकर जो है कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, और अपने पुराने साथी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।